नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश में चल रहे माफियाओं के खिलाफ अभियान में बरगी में शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई। बरघाट सिवनी से वैगनार कार MP20CJ3934 में 36 पेटी अवैध शराब को बरगी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस मार्ग पर अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर बरगी पुलिस द्वारा कार का पीछा कर पकड़ा गया, जिसमें वीरेंद्र ठाकुर पिता समर सिंह उम्र 32 वर्ष बेदी नगर जबलपुर निवासी को 36 पेटी देसी मसाला शराब के साथ पकड़ा गया। एक कल रात्रि में करीबन 1200 बजे हमको सूचना रात के 12 बजे हमको सूचना मिली कि सिवनी तरफ से एक वैगनआर कार है जिसका नंबर MP20CJ3934 है, जो सिवनी से जबलपुर की ओर शराब लेकर आ रही है। तो लगभग रात्रि 2 बजे करीब हमने इसकी दबिश दी तो ये काला दही के पास इसको पकड़ा। तो इसमें एक व्यक्ति था वीरेंद्र ठाकुर करके है, जिसकी कार के अंदर 36 पेटी देसी मजरा की लाल 180 ml के पाव भरे हुए थे, लगभग 1800 पाव, जो कीमती करीबन 1,98,000 रुपये है। इससे पूछताछ में बताया कि बरघाट से लेके आ रहा है, बरघाट देसी मजरा से जबलपुर ला रहा था, जिससे कब्जे से जब्त की गई है और कार्रवाई की जा रही है।